नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज वी आर ज्वाइन इन सीरीज सवाल ये है द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी कॉम्बिनेशन का हमें कैपेसिटेंस इक्वल और ब्रेक डाउन वोल्टेज बताना है सिंपल सवाल है बेसिक्स फिर यहाँ क्लियर होने चाहिए सो so, हमने क्या किया एक कैपेसिटर दो कैपेसिटर और तीन कैपेसिटर ऐसे सीरीज में लगा दिए तीनों का कैपेसिटेंस सी है ब्रेक डाउन वोल्टेज वी है और वी पे आपका ब्रेकडाउन हो जाएंगे इंडिविजुअली ठीक है हमारा सवाल यह है कि यहाँ पे जब हम इनको कॉम्बिनेशन को यहाँ पे लगाएंगे तो सेफ वोल्टेज क्या हो सकता है वी डैश क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सो so दैट हमारे सिस्टम का ब्रेकडाउन ना हो अट सो so इस केस में क्योंकि तो पहली चीज़ तो है कि क्योंकि आपके तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में लगे हुए हैं तो आपका सी इक्वलेंट जो है वो हो जाएगा सी बाय थ्री सीरीज uh, कॉम्बिनेशन में सी बाय थ्री इनका कैपेसिटेंस हो जाएगा इन थ्योरी ये बात हमें पता है सी बाई एन हो जाता है uh, दूसरी बात यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज की जब बात करेंगे तो so यहाँ पे अगर चार्ज आपका Q Q और Q अगर स्टोर हो सकता है तो हम जो Q लिखेंगे Q विल भी होएगा uh, C इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी डैश और इसको हम लिख सकते हैं एम्प्लाइज वी डैश विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई सी इक्वल और आपका जो Q है डिवाइडेड बाय सी इक्वलेंट Uh, ये हो गया c डिवाइड बाई थ्री थ्री तो दैट्स वाई वी कैन से यहाँ पे जो आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज है uh, v डैश आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज v डैश वो हो जाएगा आपका थ्री वी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर b c बाय थ्री एंड थ्री वी वुड बी द राइट आंसर